आशिक मशूक वाला सीन था दोनों का, लाहौर में प्रोपोगंडा करते रहे, मुझे फेमस करते रहे। आप आएंगे तो मैं आपका मुंह चूम के आप कोई ऑफिसर जो है वो फेक पकड़े हैं, वहाँ पे FIRs भी हुई हैं। सही बात है, अगर इलेक्शन के दिनों में लोगों का रुझान एनआर के लिए और लिबर्टी में प्रोपोगंडा किया था ना, सारी है फजूल याद है इनके पीछे, वहाँ भी पड़ी हुई है। ये सब आप जो देखने वाले टीवी देखने वाले लोग हैं ना, उनको नहीं पता होता। बेसिक बंदे वो हैं जो आपको टीवी दिखा रहे हैं, ये बस ऐसी प्लांटर स्टोरियां करते रहते हैं, क्योंकि इस तरह तो कभी भी छोड़ने वाला बंदा नहीं है। इंडस्ट्री थी ऑयल बनाने वाली फैसलाबाद, इकरार साहब को शायद याद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिली 777.pk के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मिशी। नाज़रीन आज हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पर हमें वो सेलिब्रिटी मिले हैं जो सोशल मीडिया पे जो भी स्टोरी अपलोड होती है सबसे पहले उस पर बात करते हैं, करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अली मोहम्मद की। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, खाना शाना खा रहे थे, खाना इनका ख़त्म हो गया। इनसे जानते हैं कि इकरारुल हसन और हक हतीब शुभ शुभ बाबा जो हैं, इनकी स्टोरी बहुत वायरल जा रही है, क्या आखिरकार बातचीत क्या है, इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप, एक तो हमने आपसे विदाउट परमिशन आपके पास आ गए हैं, सेकंड में आपसे ये बात करना चाहूँगी कि जो इकरारुल हसन जो है और ये शुभ शुभ बाबा हक हतीब, इनके क्या आपस में मामलात हैं? पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, बहुत इकरारुल हसन पे बातें कर रहे थे, अब उनकी सुलह हो गई। हर जो भी करंट सिचुएशन होती है, करंट जो स्टोरीज अपलोड होती हैं, आप उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेट करते हैं। बेसिकली ये तो बात ठीक है कि मुझे इनके बारे में काफ़ी मैंने रिसर्च किया। देखिए जी, इकरारुल हसन साहब ने इससे पहले भी इसके बारे में एक स्टोरी की थी, शायद आपने देखी भी हो शायद ना भी देखी हो, एक स्टोरी इसने की थी, ये काफ़ी साल पुरानी बात है। सरे हम का प्रोग्राम वो तब से ही कर रहे थे, काफ़ी फेमस ही थे, तो अब भी की है। तो आए दिन इकरारुल हसन को सिर्फ एक ही टॉपिक मिला हुआ है। देखिए मेन मकसद इकरारुल हसन को दो तीन साल से बहुत ज़्यादा सरेआम के प्रोग्राम क्राइम की स्टोरी छोड़ के कराची से लाहौर मूव कर गए हैं। अब लाहौर आए हैं तो लाहौर आके उन्होंने कुछ हक में भी प्रोग्राम किए हैं, इस तरह काफ़ी फूड पॉइंट के ऊपर गए हैं, उन्होंने चेकिंग की है फूड इंस्पेक्टर लेकर। उसके बाद आप इसको फिर देखें, अगर रिसर्चिंग के ऊपर आए ना, अगर आप भी मेरी तरह सोचें और मेरी तरह इन लोगों को रियल फेस इनका दिखाएं या इन रियल इनके बारे में स्टोरी को आप जज करें, तो फिर यही तरीका कर होता है कि देखो एक बंदा इतनी देर से सरेआम की प्रोग्राम उस तरह नहीं कर रहा जिसे पहले कर रहा था, अब हक में कर रहा है, तो पहली नंबर तो वजह क्या हो सकती है? और एकदम से हाइप चाहिए थी सोशल मीडिया पे और इनको व्यूवरशिप चाहिए हो। एक तो वैलेंटाइंस डे मनाने गया है बेसिकली, अगर फनी सवाल आते कहूँ तो मैंने वहाँ पे ये भी सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा है कि इकरारुल हसन ने हक हतीब को वैलेंटाइन डे मनाते हुए ऊपर से ऐसे छापा मारा, जो उनका काम है, क्या वो सच में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो रहा था? कि आपस में आशिक मशूक वाला सीन था दोनों का, उन्होंने कहा जी चले करते रहे, आप उधर जाके लाहौर में प्रोपोगंडा करते रहे, मुझे फेमस करते रहे, मैं इधर जब आप आएंगे तो मैं आपका मुंह चूम के आपको फेमस कर दूंगा। तो इकरारुल हसन ने, मैंने जो देखी है, दो पपियां दी हैं उसको, एक माथा चूमा है, एक उसका मुंह चूमा है, एक साथ में खड़े उसके पीर भाई ने भी मुंह चूमा है। तो यार इकरार साहब, आप इधर उधर चुमिया ही नहीं गए सी कुछ करके तो नहीं आए, अब उधर आके उधर एको कुछ और थी, और अभी जो वीडियो रिसेंटली अप हुई है वो उससे अगेन है और चीज़ है। तो यार आवाम को बस पागल बनाया हुआ है, हम लोग इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे फजूल के तरीकों में पड़े हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, नेट पैक ही लगवाते हैं इकरार को देखने के लिए लोग। मैंने एक बंदा देखा है जो इकरारुल हसन को देखने के लिए स्पेशल नेट पैक ही लगवाता है। ऐसी क्या चीज़ है इकरार में? ऐसी प्लांटेड स्टोरियां है कुछ जो उसकी देखते हैं, लोगों को नहीं पता होता कि मीडिया के अंदर ये प्लांटेड स्टोरियां भी होती हैं, हकीकत बात है, सब कुछ प्लान किया जाता है। जैसे कि ये प्लान था, वहां पे गए हैं, इतनी व्यूवरशिप जितना इन्होंने अल्लाह गुल्ला डाला हुआ था, उधर क्या कर गया है? एक तो अगले दिन हकतीब ने वीडियो जारी किया है कि उनके कोई ऑफिसर जो है वो फेक पकड़े हैं, वहाँ पे FIRs भी हुई हैं जिस दिन ये सारा मामला हुआ है, सारी चीज़ें जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐम ही फजूल आवाम को जो है वो आरे लगाने वाली बात है। सही बात है, अगर इलेक्शन के दिनों में लोगों का रुझान दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इकरार ने गलत किया है, हक हतीब ठीक है? देखिए जी, मैं दोनों को ठीक नहीं कहूँगा, ना मेरे से इकरार को ठीक कहूँगा ना ही हक हतीब को ठीक कहूँगा। देखिए जी, उधर क्या है, हक हतीब साहब आपको जो है वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको भी कोई इस तरह से
सबूत के साथ सामना करना चाहिए था, और दूसरे नंबर पे इकरार को भी चाहिए था कि उधर चुमियाँ देने की बजाय ना उसका, जिस तरह इन्होंने ये नारकली और लिबर्टी में प्रोपोगंडा किया था ना, उस तरह का कोई करतब उससे करवाते, क्यों नहीं करवाया? सारी हैं फजूलियात है इनके पीछे, वहाँ भी पड़ी हुई है, हर बंदा इकरार ठीक कर रहा है, फलान ठीक कर रहा है, बस जो जो दिमाग में आता चलता है। ये सब आप जो देखने वाले टीवी देखने वाले लोग हैं ना उनको नहीं पता होता। मैं समझता, मैं अक्सर मेरी एक जुबान होती है कि यार जो टीवी देख रहे होते हैं ना वो बेचारे मासूम हैं, बेसिक बंदे वो हैं जो आपको टीवी दिखा रहे हैं, उनको असल स्टोरी का पता होता है, वो स्टोरी क्रिएट करना जानते हैं, अपने आड़े लगाना जैसे कहते हैं वो आपको जानते हैं। बस इसी तरह का सीन है, ये बस ऐसे ही प्लांटर स्टोरियां करते रहते हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। सोशल मीडिया से वैसे ही लोग इनको व्यूअरशिप अच्छी दे दे तो क्या जरूरत पड़ती है इस तरह के प्रोपोगंडे करने की। आपको क्या लगता है, लास्ट में ये आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी, कि इनकी सुलह कैसे होगी? क्योंकि इस तरह तो कभी भी छोड़ने वाला बंदा नहीं है, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री थी ऑयल बनाने वाली फैसलाबाद, इकरार साहब को शायद याद होगी, वहाँ पर भी इकरार साहब ने एक वीडियो की थी, तो इकरार साहब आप बेहतर जानते हैं वहाँ पर क्या डील होनी थी नहीं हुई थी। मैं तो बस इतना थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ, फैसलाबाद में आपने वीडियो की थी शायद। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें हमारे साथ अली मौजूद थे जो कि सोशल मीडिया पे 24 घंटे आप कह लें कि एक्टिव रहते हैं। इनसे आपने जाना है कि इकरार और ये जो शुभ शुभ बाबा हैं ये आपस में एक प्रोपेगंडा इन्होंने बनाया है एक दूसरे को फेमस करने का, रेटिंग अपनी बनाने का। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए बिलिटी पसंद और भी के अलावा।